चलते बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मध्य प्रदेश के छतरपुर में बहुजन समाज पार्टी नेता महेंद्र गुप्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। आरोपी की गिरफ्तारी के एसपी एडिशनल एसपी की अगुवाई में पुलिस की चार टीमें गठित की गई। बीएसपी नेता की हत्या के बाद मृतक के परिजनों और बीएसपी कार्यकर्ताओं ने छात्रसाल चौक पर शव को रोक कर चकाचौंध किया। बता दें कि ईशा नगर के बीएसपी नेता की हत्या उस समय कर दी गई थी जब वह छतरपुर में वह एक शादी के समारोह में शामिल होने आए थे। जब वह शादी समारोह से खाना खाकर अपनी कार में बैठ रहे थे तभी हमलावर ने उनके सिर पर पिस्तल से गोली मार दी जिससे मौके पर ही बीएसपी नेता की मौत हो गई। बीएसपी नेता की हत्या के बाद नेता आक्रोश में है और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। छतरपुर से मुकेश भार्गव। जब वो निकल रहे थे लगभग 8:15-8:30 के मध्य इनकी एक अज्ञात हमलावर ने गोली मार के हत्या कर दी है और इस दौरान इनके साथ एक इनका जो व्यक्तिगत गार्ड था वो भी साथ में था। इस घटनाक्रम पे थाना सिविल लाइन्स में धारा 302 आईपीसी के तहत प्रकरण रात में ही पंजीबद्ध कर लिया गया था। बॉडी का पोस्टमार्टम हो गया है और वो उनके गृहग्राम के लिए रवाना हुई है। इसमें एडिशनल एसपी के नेतृत्व में चार टीमें बनाई गई हैं और ऐसे लोगों को रखा गया है जो कि क्षेत्र से और उस ईशानगर में जो इनका पुरानी बुराई चली आ रही है इसके बारे में जानकारी रखते हैं और सीसीटीवी फुटेज टेक्निकल डेटा और ग्राउंड पुलिसिंग के आधार पे टीमें काम कर रही हैं और जो भी इसमें हत्यारा है उसको पकड़ लेंगे। कानून व्यवस्था इस समय पे अच्छी चल रही है मगर ये अचानक धोखे से महेंद्र का किसी ने मर्डर कर दिया। मगर महेंद्र भी इतनी तैयारी से रहता था पता नहीं किसी ने धोखे ही में कर दिया नहीं तो बढ़िया तैयारी में चलता था वो ब्लड प्रूफ जॉकेट वॉकेट वगैरह पहन के निकला करता था वो। तो ये मान के चले आप किसी आपसी वाले ने बता दिया होगा उसको जब उसने सिर में गोली मारी नहीं तो छाती आती सीना ही ना में भी तो कहीं मार सकता था वो।